और यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है अंबुज ने। मौर्य की माने तो चुनाव के बाद अखिलेश को बुआ की जगह नानी याद आ जाएगी। पोल के नतीजे आ गए हैं और असली नतीजे आने में भी बस कुछ समय बाकी है। भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। सर, पूर्ण बहुमत तो एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रहा है, आप लोगों का क्या आंकड़ा है, क्या आंकलन है? देखिए, एग्जिट पोल जो भी जिस भी चैनल ने जिस भी एजेंसी ने किया है उनके परिश्रम को मैं एकदम का स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं एकदम पूरे विश्वास से भरा हूँ। हम 265 प्लस का जो पहले दिन संकल्प लिए थे, हम उस आंकड़े से बहुत आगे रहेंगे। उत्तर प्रदेश में बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और विरोधियों को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है। अभी कुछ घंटे बाकी बचे हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा कि 14 वर्ष से जनता जो पीड़ा झेल रही थी उससे मुक्ति के लिए किस प्रकार से कमल की बटन दबा करके सपा बसपा से मुक्ति के लिए उन्होंने वोट देने का काम किया है, मोदी जी का साथ देने का काम किया है, कमल खिलाने का काम किया है। सर, 14 वर्ष का वनवास अगर खत्म होता है तो राज तिलक किसका होगा, राम कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी का होगा, काहे चिंता कर रहे हैं। सर, एक चीज और है, हंग असेंबली की स्थिति में जो अखिलेश यादव ने कल कहा कि वो बुआ के साथ भी जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में तो आपकी राह में रोड़ा अटकाने का काम कर रही है कम से कम अखिलेश यादव की पार्टी? मैं बस कल का मैंने बयान देखा है समाजवादी पार्टी के मुखिया का कि उनको बुआ याद आ रही हैं, लेकिन कल आप ध्यान रखिए, कल जिन लोगों को बुआ याद आई हैं और भी बहुत सारे लोगों को नानी याद आ जाएगी। धन्यवाद धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य साहब, जो कह रहे थे कि निश्चित तौर पर बीजेपी बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। राज तिलक के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी का ही चेहरा होगा, हालांकि किसी का नाम उन्होंने नहीं बताया। कैमरा पर्सन संदीप लोहिया के साथ अंबुज पांडे, APN News दिल्ली।